हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। उरवा थाना क्षेत्र में गोली मारकर की गई चचेरे भाई की हत्या का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी को हत्या में प्रयुक्त बंदूक के साथ लिया गया हिरासत में। रामगढ़ ताल स्थित जट्टी पर प्रातःकाल योग एवं सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की मंडलायुक्त की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा डायल 1090 तथा साइबर क्राइम पर आयोजित हुई कार्यशाला। एसएसपी ने कहा साइबर क्राइम से बचने के लिए करें पासवर्ड का इस्तेमाल। लूट के विभिन्न मामलों में वांछित 25,000 का इनामी शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएसपी ने किया खुलासा। ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, दूसरे दिन भी रहा जारी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी बंद। गोरखनाथ थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस में एसएसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, कहा जमीनी मामलों का मौके पर किया जा रहा है निस्तारण। नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख स्थलों पर की छापेमारी, प्लास्टिक के थैले का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई। बेलीपा थाना क्षेत्र में मजदूर का हत्या आरोपी तथा 15,000 का इनामी बदमाश शराब पुलिस के हत्थे। एसएसपी ने कहा शेष बचे आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। 50 माइक्रोन से कम पॉलीथीन की बिक्री को प्रतिबंधित करने के विरोध में गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन ने महापौर को दिया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी महिला प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव का प्रकोष्ठ के सदस्यों ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष ने प्रकोष्ठ के सदस्यों को पढ़ाया शिष्टाचार का पाठ। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए कांग्रेसियों ने नगर निगम पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। जननायक कपूरी ठाकुर सेवा संस्थान ने समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज में सम्मानित हुए कुल 130 मेधावी छात्राएं, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा। विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई संपन्न, बैठक में गाय के लिए अलग मंत्रालय बनाए जाने और अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम की रणनीति तय कर किया गया मंथन। खत्री महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित हुए विधि प्रतियोगिता, समिति की महिलाओं ने कजरी नृत्य के साथ फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर सावन माह का किया स्वागत। रात भर हुई बारिश ने तपिश में दी राहत, बारिश में भीग कर लोगों ने उठाया लुत्फ। और जिला फुटबॉल लीग में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने डीपी स्पोर्ट को 3-1 से और फुटबॉल एकेडमी मेडिकल ने उत्तर प्रदेश पुलिस गोरखपुर जोन को 1-0 से दी मात।